हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को फिर से मेरा नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। सुबह का टाइम है और मुझे रोटी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मम्मी बोला है रोटी खाने से गोला करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिलहाल सुबह सुबह मैं गोला कर रहा हूँ। गोला होने का बाद मम्मी बना लेगा रोटी। फिलहाल मम्मी क्या कर रहा है मैं आप लोगों को दिखा दो। माइकी को चला और मम्मी मतलब सब्जी बना रहा है। सब्जी हो जाएगा उसका बाद रोटी बनाएगा। आज हमारे गांव में एक बड़ा सा गेट ओपनिंग होगा, तो उसमें भी मुझे जाना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो गेट ओपनिंग करने के लिए कौन आएगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो इंडिया का सभी लोग मेरा साथ बनते रहिए। रोटी खाने से पहले बकरियों को खिलाता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग ना मुझे खाने नहीं देते पहले। और ये रहा बकरियों के लिए रोटी, छोटा छोटा मैं कर दिया हूँ। और सब लोग यहाँ खड़ा है रोटी खाने के लिए। खाना सहाना सब कुछ हो गया है। अभी फिलहाल मुझे निकलना है, जो गेट ओपनिंग करेगा ना वहाँ पर जाना है अभी। और जाने से पहले रोटी खा लेता हूँ, उसका बाद निकलता हूँ। रोटी इधर, दांगबोड़ी का सब्जी इधर, अंडा और ये रात का चिकन था। सुबह का टाइम में ना रोटी खाने से मज़ा आता है, चार खाने से ना नींद आता है, इसीलिए मैं ज़्यादा रोटी फेवर करता हूँ सुबह का टाइम में। रोटी वोटी खाना हो गया, अभी सब कुछ हो गया, अभी जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि सब लोग आ गए शायद। मम्मी को टाटा और बाय बाय कर देता हूँ जल्दी जल्दी। माय टाटा, मैं जल्दी जल्दी आई है। मैं गेट ओपनिंग करने वाला जगह में गया रहा, लेकिन कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए मैं फिलहाल वहाँ से चला आया। मेरा जो बाइक है ना बहुत गंदा हो गया रहा। मैं फिलहाल आप लोगों को मेरा बाइक का कंडीशन दिखा देता हूँ। ये मेरा बाइक का कंडीशन दिखिए कितना गंदा हो गया। एकदम आसपास रगड़े गए धुबी दे, एकदम अकमान बुका थी मन लगे कि ओके। बाइक धोने तक वेट करता हूँ। तो फिलहाल पूरा मेरा बाइक वॉशिंग हो गया। अभी थॉमस को मैं पैसा दे देता हूँ। थॉमस ले लो, थैंक यू। बाइक पूरा क्लीन हो गया। देखिए गेट ओपनिंग हो रहा है ना वहाँ पर, चलिए चलिए चलिए। टिंगरिया है भी गांव का जनता आ चुका है, और साथों ही साथ गेट ओपनिंग करने के लिए मंत्री श्री संजय किशन डांगरिया भी आ गया है। নিশ্চিতভাৱে তিংৰাই হাবি এখন মোৰ নিজৰ গাঁৱৰ দৰে যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে তিংৰাই গাঁৱক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে। আমি যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত এই গাঁওখনলৈ আহিছিলোঁ, যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত ৰৈ যোৱা এখন গাঁও আছিল। দীৰ্ঘদিনীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এখন গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱা হৈছিল। ৰাস্তা পদূলি ঢলা বুলিবলৈ একো নাছিল,
রাইজর আখির বাজারে আমি দায়িত্ব পাওয়ার পাছত আমি চেষ্টা করেছিলাম গাঁওখন সুসজ্জিত করবর কারণে আর হেতুতে কৈছে এখন গাঁওক আমি আদর্শ গাঁও হিসাবে আমি গ্রহণ করেছি আর ইতিমধ্যে আপনাদের দেখিছে যে এই আদর্শ গাঁওর জড়িয়েও আমি এখন সুন্দর গেট বনাইছো স্কুলের কারণে আমি আঁচনি লোক রাস্তার কারণে আমি আঁচনি লো তেনেকে করে পেলে আসলে রাইজর আশীর্বাদে এই গাঁওখনক আমি আমার এই তিনচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টির এখন বিশেষ গাঁও হিসাবে প্রতিষ্ঠা করি অগ্রসর হয়েছি আর নিশ্চয় রাইজর আশীর্বাদে আমি সফলতা করছি। ফিলহাল গেট ওপেনিং করনা হো গিয়া হ্যাঁ যো মন্ত্রী হ্যাঁ না ও আভি যা রাহা হ্যাঁ টিংরাহাবি গাঁৱত মানে গেট এখন হৈছে ডাঙৰ গেট হৈছে কেনেকুৱা অনুভূতি হৈছে বহুত ভাল লাগিছে ন আপোনাক বহুত 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 মোকো মানে বহুত বহুত ভাল লাগিছে টিংরাহাবি গাঁৱত এখন আদৰ্শ গাঁও মানে গেট এখন যে হৈছে মানে আপোনাক কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আমারও ভালো লাগিছে ঘরমুখত হয়েছে ঘরমুখত হয়েছে ন বহুত ডাঙর গেট হয়েছে ন বহুত ডাঙর গেট হয়েছে কিন্তু মিঠাইটো খাবলে নাপালো যদিকে চিপুরিয়াখন ইমান ধুনিয়াকে উন্নতি হয়ে আছে চিপুরিয়াখনের খুব ভাল লাগিছে আজি চিপুরিয়া যখন চিপুরিয়া স্থিত টিংরাহাবি যখন গাঁও আজি আদর্শ গাঁও হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তো খুব ভাল লাগিছে ফিলহাল গেট ওপেনিং কারনা হো গিয়া আর আভি সব লোক চলা গিয়া আচ্ছা লাগা আজ আমারা গাঁও মে এক বড়া গেট ওপেনিং হওয়া মতলব টিংরাহাবি আদর্শ গাঁও নাম দিয়া আর আভি আভি মে ঘর ভি পৌঁছ গিয়া তো ফিলহাল ঘর পৌঁছ গিয়া আর মম্মি বেঠ কর চায় পি রা কি চায় খাই আছে নাকি তো মম্মি বেঠ কর না চায় পি রা আর আজ মে বহুত 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 এনজয় কিয়া আচ্ছা ভি লাগা হামরা গাঁও মে এক বড়া গেট হুয়া গেট মে লিখা থা টিংরাহাবি আদর্শ গাঁও মতলব हम लोग का गांव का नाम हो गया टिंगरा अभी आदर्श गांव। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही और नया वीडियो के साथ तो मैं आते ही रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय अखम भारत माता की जय।